हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। रुई लोपेज की ओपनिंग ट्रैप के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आज मैं बताऊंगा रुई लोपेज में F5 वेरिएशन में बहुत कुछ ट्रैप्स हैं, तो देख लेते हैं अभी। यहाँ पे वाइट प्लेज E4, E5, NF3, NC6, BB5 और ब्लैक यहाँ पे F5 करता है। तो F5 में बहुत सारी ट्रैप्स है, इसमें आप बिशप टेक C6 करके भी खेल सकते हो और काउंटर अटैक नाइट C3। तो चलिए पहले मैं बताऊंगा आपको नाइट सी थ्री। नाइट सी थ्री में व्हाइट को फायदा होता है, ब्लैक पॉन टेक स्पोन करता है नाइट इंटू E5, नाइट F6, देन नाइट F6। चलो ब्लैक यहाँ पे कब ट्रैप में फंसता है कि वो अगर पॉन टेक्स नाइट मारता है तो यहाँ पे ट्रैप में फंसेगा। क्वीन टेक्स नाइट में ट्रैप पॉसिबल नहीं है, पर देख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद आपको खेलना है D4, ब्लैक इसे आगे बढ़ेगा क्योंकि मारना में नाइट सेंट्रलाइज होता है। तो यहाँ पे D4 में ब्लैक का रिप्लाई E4 ही होना चाहिए, नाइट G5 सेक्रीफाइस आफ्टर पॉन टेक्स नाइट देन क्वीन H5 चेक और किंग E7 ओनली ऑप्शन और बिशप G5 स्क्यूअर से आपको क्वीन मिल जाएगी। दूसरी जो ट्रैप है, यहाँ पे दूसरी ट्रैप दिखाता हूँ आपको। वाइट अगर बिशप टेक C3 करता है तो यहाँ पे ब्लैक D into C6, वाइट कैसल करता है इसके बाद तो यहाँ पे वाइट ट्रैप में फंसेगा। पॉन टेक्स पॉन आफ्टर नाइट टेक E5, नाइट F6 पॉन को सपोर्ट दिया, वाइट यहाँ पे एक गलती और करता है नाइट C3, तो आफ्टर क्वीन D4 व्हाइट का ये E5 वाला नाइट वो प्लेस हो गया क्योंकि ये पॉन जो सपोर्ट करने लायक था वो पिन हो चुका है, क्वीन से पिन है और नेक्स्ट मूव में क्वीन टेक्स नाइट, क्योंकि नाइट के पास आप देख सकते हो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ भी बिशप टेक्स नाइट हो रहा है और नाइट यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। चलिए दूसरी ट्रैप देखते हैं। ओके दोस्तों, ये ट्रैप थोड़ी लॉन्ग मूव्स वाली है। F5 के बाद यहाँ पे बिशप इंटू C6, D into C6, अब वाइट कैसल के बजाय पहले नाइट इंटू E5 करता है, तो यहाँ ब्लैक कैसे अटैक कर सकता है? क्वीन D4, डबल अटैक ऑन E5 नाइट पे और E4 पॉन पे। वाइट रिप्लाई देता है क्वीन H5 चेक, आफ्टर G6 नाइट टेक्स G6, H टेक्स G6। अब आप देख सकते हो कि रूक ऑलरेडी क्वीन के सपोर्ट में है, तो रूक तो नहीं मिलेगा वाइट को। क्वीन इंटू G6 चेक देगा, किंग D8, देन पॉन टेक्स पॉन। अब यहाँ पे ब्लैक की बारी आई, तो ब्लैक टू प्ले एंड विन, कंटिन्यूस फोर्स मूव्स है यहाँ पे। क्वीन E4 चेक, किंग D1, देन बिशप टेक्स F5। अब क्वीन पे अटैक है तो नेचुरल मूव है क्वीन G5 चेक, बिशप इंटरपोज। अब देखो क्वीन कहीं भी जा रही है तो क्वीन टेक्स C2 की थ्रेट भी है और यहाँ क्वीन भी मर रही है, तो ब्लैक वाइट रिप्लाई देगा D3, लेकिन आफ्टर बिशप G4 चेक व्हाइट शुड रिजाइन क्योंकि आफ्टर F3 बिशप टेक्स F3 चेक, अगेन पॉन टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप चेक एंड बिशप टेक्स क्वीन। तो यहाँ पे ब्लैक को व्हाइट की क्वीन मिल रही। नेक्स्ट ट्रैप देते हैं दोस्तों, दूसरी ट्रैप। ओके दोस्तों, F5 वाली जो ट्रैप थी वो सारी खत्म हो गई। अब मैं दिखाता हूँ आपको नाइट D4 वाली ट्रैप। रुई लोपेज में E4 E5 देन BB5 के बाद नाइट D4। ओके, नाइट D4 में नाइट इंटू D4 ये वाइट के लिए बेस्ट होता है। आफ्टर पॉन टेक्स D4 D3 ब्लैक ट्राई करेगा बिशप को यहाँ से हटाने का, तो C6 बिशप C4 और उसके बाद नाइट F6। व्हाइट यहाँ पे कैसल करेगा, ब्लैक का आइडिया है D5 का, तो D5 करेगा सेंटर लेने के लिए। पॉन टेक्स पॉन देन नाइट इंटू D5। अब देखते हैं RE1 चेक, यहाँ पे बिशप E6। बिशप E6 के बाद व्हाइट के पास बेस्ट चॉइस है क्वीन H5 और यहाँ पे पिनिंग में से फ्री करने के लिए बिशप E7 ब्लैक खेलता है, कैसलिंग का ट्राई करता है, तो रुक क्रॉस E6। अब ब्लैक के पास दो चॉइस है लेकिन दोनों चॉइस लूजिंग चॉइस है। G6 फर्स्ट चॉइस है G6 और
मान लो कि ब्लैक ने क्वीन पे अटैक किया तब भी वाइट आगे रहेगा, बिशप रुक इंटू E7 चेक, क्वीन इंटू E7 देन क्वीन D1 और वाइट सिंपल एक्सचेंज फॉर टू पीस हो जाएगा। और अगर इंस्टेड ऑफ G6 यहाँ पे ब्लैक ने ट्राई किया नाइट F6 काउंटर अटैक, तो रुक टेक्स F6 आफ्टर G takes F6, क्योंकि बिशप टेक्स F6 में मेट आ रही है, तो G takes F6 क्वीन F7 चेक किंग D7 एंड बिशप F4 विथ चेकमेट थ्रेट बिशप टू E6। तो दोस्तों ये थी आपकी जो ट्रैप मैंने बताई नाइट D4 में। NGE7 में भी ट्रैप है, वो भी बताता हूँ। बहुत सारी ट्रैप से पूरी रॉयल ओपेज आपके हाथ में हो जाएगी। नाइट D4 के बदले NGE7, ब्लैक ने यहाँ पे NGE7 किया कैसल, उसके बाद F6 सेंटर को सपोर्ट करने के लिए। नाइट H4 आइडिया है क्वीन H5 का, ब्लैक काउंटर अटैक कर रहा है A6, तो बिशप टेक्स नाइट, आफ्टर नाइट टेक्स C6 देन क्वीन H5 चेक G6 एंड नाइट टेक्स G6। नाइट टेक्स G6 में ब्लैक खेल रहा है रुक G8, लेकिन नाइट टेक्स E5 डबल डिस्कवर चेक किंग E7, यहाँ पे फॉलो बाय मेट होगा किंग D6, सारे मूव फोर से नाइट C4 चेक, किंग C5 देन क्वीन D5 चेक, किंग B4 ओनली ऑप्शन, C3 चेक, किंग A4 एंड B3 इज अ चेकमेट। चलिए NGE7 में एक और ट्रैप है, यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ आपको। NGE7 BB5 के बाद NGE7 थर्ड रिप्लाई, यहाँ पे वाइट कई बार C3 करके भी खेल सकता है। ब्लैक रिप्लाई देता है D6 एंड अब E5 पॉन को सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे वाइट D4 करेगा, थ्रेट है D5 की, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप D7, नाइट को अनपिन करेगा। यहाँ पे आपको करना है शॉर्ट कैसल, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट G6, क्योंकि डार्क स्क्वायर बिशप को डेवलप करके बिना कैसल नहीं होगा। नाइट G5, ब्लैक अगर H6 करता है तो यहाँ नाइट टेक्स F7 सैक्रिफाइस। क्या होता है अगर किंग टेक्स F7 करता है, यहाँ पे होगा बिशप C4 चेक, किंग E7, क्वीन H5, नाइट पे अटैक, क्वीन से सपोर्ट देता है अगर, क्योंकि नाइट के पास कोई स्क्वायर नहीं है। अब यहां पे बहुत बढ़िया मूव है क्वीन G5 चेक, आफ्टर H takes G5 बिशप टेक्स G5 इज अ चेकमेट। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रैप। नेक्स्ट वीडियो में आपको NGE7 तो हो गया, अभी भी NGE7 के दो ट्रैप्स बाकी है और भी मूव्स है जो रुई लोपेज में अलग अलग खेले जाते हैं। तो ये 56 ट्रैप मैं बताने वाला हूँ, मैं बहुत सारी ट्रैप्स तो बता भी दी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ट्रैप बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, बहुत सारे ट्रैप्स आपको मिल जाएंगे, पूरा रुई लोपेज ओपनिंग आपके हाथ में हो जाएगा। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।